नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 25 जून 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट है आपकी, हाईटेक पढ़ाई में पिछड़े प्रदेश के परिषदीय स्कूल। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें ये बताया गया है कि जो परिषदीय विद्यालय हैं उनमें बच्चों को पढ़ाने के प्रति प्राइमरी स्कूल खरीदना तो था टू द स्पीकर, परंतु किसी भी विद्यालय में खरीदारी नहीं हो सकी। बेसिकली कहने का मतलब है जो हाईटेक पढ़ाई है वो परिषदीय विद्यालयों में देखने को नहीं मिल पा रही, उसी की बात यहाँ पर की गई। अगली अपडेट है आपकी, स्केलिंग के लिए जो प्रतियोगी हैं उन्होंने घेरा आयोग। पीसीएस में स्केलिंग के लिए शुक्रवार को लोक सेवा आयोग के गेट पर प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र लोक सेवा आयोग की ओर से जो पीसीएस में स्केलिंग बंद किए जाने का आरोप है वो लगाते हुए प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को आयोग का घेराव किया। अगली अपडेट है, अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण का जो है वो अधिकार। प्रयागराज से न्यूज है और यहाँ पर अपनी उत्तर पुस्तिका जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने का कानूनी अधिकार है। ऐसे में लोक सेवा आयोग परीक्षक की गोपनीयता बरकरार रखते हुए याची को 1 माह के भीतर 7 दिन की मार्जिन देकर नियत तिथि और समय पर निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करें। अगली अपडेट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय नए सत्र से फीस जो है वो बढ़ाएगा। अगली अपडेट है, पीआरएसयू में दाखिले को आज से करें आवेदन। यहाँ पर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की बात की गई है। अगली अपडेट है, एसओ के रिक्त पद प्रमोशन से जो है वो भरे जाएंगे। सचिवालय में रिक्त अनुभाग जो अधिकारियों के करीब 228 पद जल्दी पदोन्नति से भरे जाएंगे। अगली अपडेट है, सिविल सेवा प्री पास करने वालों को निशुल्क जो है वो कोचिंग। यहाँ पर सिविल सेवा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली के अच्छे कोचिंग संस्थानों से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। उसका जो खर्चा है वो कल्याण विभाग जो है वो उठाएगा, समाज कल्याण विभाग। अगली अपडेट है, आज से कड़ी निगरानी में पॉलिटेक्निक जो है वो परीक्षा देखने मिलेगी। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन होगा। अगली अपडेट है, अंक पत्र मिलने के बाद सुधरेगी त्रुटियां। जन्म और नाम जो है उससे जुड़ी जो गड़बड़ियां उनको ठीक करने के लिए अभी इंतजार जो है वो करना होगा। अगली अपडेट है, 2024 तक वायुसेना में महिला अग्निवीरों की भर्ती देखने को मिल सकती है। एयरफोर्स में अग्निवीर जो है उनको अग्निवीर वायु जो है वो कहा जाएगा, एयर मार्शल जी ने ये जो है वो कहा है। अगली अपडेट है आपकी, स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण 27 से नामांकन 2 करोड़ पहुंचाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ से न्यूज है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ये अभियान है उसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट है आपकी, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की लिखित परीक्षा जो है वो 3 को जो है वो देखने को जो है वो मिलेगी। लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की बात की गई है। परीक्षा ये 3 जिलों में 10 से 11:30 बजे तक होगी। अगली अपडेट है, आरआरबी की एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 की जारी हुई उत्तर कुंजी। अभ्यर्थी 27 तक दर्ज करवा सकते हैं तो वो आपत्ति की बात यहाँ पर की गई। अगली अपडेट है, इग्नू से मुफ्त में करें सिविल सेवा की तैयारी। आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवार जो है उनकी बात की गई है। अगली अपडेट है, जामिया ने 2 और 3 जुलाई की परीक्षा की तारीख जो है वो बदली, तो कुछ दिक्कतों के चलते जो है परीक्षा की जो तिथि है उसको बदला गया है और अब ये परीक्षा 12 और 13 जुलाई को आयोजित होगी। अगली अपडेट है आपकी, बड़ी वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला भारत के बगैर संभव नहीं। यहाँ पर विकसित देशों की बात की गई है। अच्छा, मेन इसमें न्यूज ये वाली है, करंट अफेयर्स रिलेटेड, ई पासपोर्ट सेवा शुरू करेगा भारत सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है कहा है ई पासपोर्ट शुरू। अगले करंट अफेयर है, आम महोत्सव 4 से 7 जुलाई तक होगा, लोगो भी इसका जो है वो जारी कर दिया गया है। लखनऊ से न्यूज है, लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में शुक्रवार को आम महोत्सव का लोगो जो है वो जारी किया गया है। अगली सेकंड लास्ट अपडेट है करंट अफेयर रिलेटेड की, द्रौपदी जो मुर्मू है उनको नामांकन के समय बहुमत से ज्यादा का समर्थन। मोदी, शाह और राजनाथ बने जो है वो प्रस्तावक। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को नामांकन जो है वो किया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह ये सभी प्रस्तावक जो है वो बने हैं।
और समर्थन में ये सभी ने हस्ताक्षर भी किए, बहुमत का आंकड़ा भी मिल गया है। 18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव, 21 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि तीरंदाजी विश्व कप में भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वैनम ने जोड़ी जो है इनकी विश्व कप चरण 3 के फाइनल में पहुंचने के साथ ही गुरुवार को देश के लिए उन्होंने दूसरा पदक पक्का जो है वो कर लिया है, उसी की बात यहाँ पर की गई। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।